कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत केंद्र सरकार ने 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों सहित कोमॉर्बिड यानी एक से ज्यादा बीमारियों से ग्रसित 35 से 59 उम्र के नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, लेकिन इसके लिए उपलब्ध कोविन वेबसाइट की धीमी गति और तकनीकी रुकावटों से लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर पेश है BCN के दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। कोरोना फ्रंट लाइनर वॉरियर अर्थात कोरोना योद्धाओं के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज के बाद अब 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही 45 से 59 उम्र के कोमॉर्बिड यानी एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन पंजीकरण शुरू हो चुका है, लेकिन सोमवार शाम से मंगलवार की दोपहर तक पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई कोविड नामक वेबसाइट चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से पहले ही पंजीकरण कराने के बाद दिग्रस शहर और दूर दराज के इलाकों से ग्रामीण अस्पताल पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन का लाभ उठाने में वेबसाइट के पूर्ववत होने तक घंटों यहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ा। इस दिक्कत से बेजार इन बुजुर्गों ने इन BCN के समक्ष अपनी समस्याएं साझा की है। माझं नाव सुधा पद्मावत, गुरुदेव नगर मधून आलेलो आहोत। आम्ही 9 पासून इथे बसून आहोत, पण यांची सुविधा म्हणजे काय, ते लॉग इनच होऊन नाही राहिलं कॉम्प्युटर, त्याच्यामुळे लोक अर्धे अधिक वापस गेले आहेत। कोविडचं हे माहीत झालं म्हणून आम्ही कोरोनाची लस घेण्याकरता आम्ही इथे 10 बसून आलो यांच्या सूचनेनुसार, पण तेव्हापासून लाईन फेल असल्यामुळे ते लॉग इन नाही व्हायला लागलं कॉम्प्युटर। बाकी नाव आलेलं आहे, रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, पण लॉग इन नाही व्हायला लागलं, त्यामुळे वेळ होतं। हां, त्यामुळे मी शाम मालपाणी वॅक्सिन घेण्याकरता इथे आलेलो आहोत, परंतु इथे त्यांची लिंक फेल असल्यामुळे काही पुढे योजना काय काही कल्पना। कोविन वेबसाइट की समस्या के संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर नयन शेरे ने इसे तकनीकी समस्या बताया। उनके मुताबिक वेबसाइट सर्वर की गति धीमी होने से यह समस्या निर्माण हुई। शासनाने निर्देश दिल्यानुसार अपन 1 मार्च 2021 पासून ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 ते 59 वर्ष जे कोमॉर्बिड आहे, कोमॉर्बिड ज्यांना BP शुगर ह्याचा त्रास आहे, त्यांना आपण सांगितलेलं आहे की रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर यांचे सर्टिफिकेट घेऊन तुम्ही इथे यायचं, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करायचं आणि आपल्या इथं लसीकरण होईल। पण सकाळपासून कालपासूनच पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे साईट कोविन साईटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे, कोविनचं ॲप हे सर्व डाऊन असल्यामुळे रजिस्ट्रेशनला प्रॉब्लेम येतो। आज सकाळपासून आपण सेशन चालू केलं, पण सकाळपासून सर्व डाऊन असल्यामुळे एकाचे पण रजिस्ट्रेशन झालं नाही, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना पण त्रास होतो आहे। आपण त्याचा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, यवतमाळवर आपण कंटिन्यू अपडेट घेत आहोत, यवतमाळवरून आपण चालू करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत साईट, जसे साईट चालू होईल आपण नागरिकांना परत सेवा पण देण्यास तयार आहोत। वैसे भी कोरोना संक्रमण मानो अजीब बला है, आम भाषा में इसे समस्त मानव जाति के लिए 7.5 कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में पहली दफ़ा किसी संक्रामक बीमारी ने इतने लंबे समय तक अपनी धाक बनाए रखते हुए लगभग 1 साल से दुनिया के नाक में दम कर रखा है, और जब इसके लिए कथित तौर पर वैक्सीन ईजाद हुई है तब इसकी रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जा रहे ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से जारी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की तकनीकी समस्याएँ थमने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल सोमवार से शुरू हुई इस संबंधित वेबसाइट की समस्या मंगलवार दोपहर को दुरुस्त हुई और सूत्रों ने बताया कि शाम 5 बजे तक करीब 60 वरिष्ठ नागरिकों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से सुबेर खान की रिपोर्ट।